Rahim. Students, we are studying biology ninth class, chapter three. That is about biodiversity. And today we have third lesson of this chapter. This lesson is about binomial nomenclature. Binomial nomenclature. It is a method.

सलीड फॉर सजेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग साइंटिफिक नेम्सिवन हेर के वो रूल्स जो कि अडोप्ट किए जाते हैं वर्ड ओवर ऑर्गेनिजम्स को uh, नाम देने के और नाम लिखने के नंबर वन साइंटिफिक नेम्स यूजली दे आर यूजली प्रिंटेड इन अटैलिक्स जो है साइंटिफिक नेम्स में लिखे जाते हैं जब प्रिंटिंग हो यानी प्रिंट किए जाते हैं या कंप्यूटराइज लिखे जाते हैं तो इटैलिक्स में लिखे, लिखे जाते हैं जो राइटिंग होती है जस्ट लाइक होमोसेपियंस साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन जबकि जब हम हैंड रिटन uh, करते हैं नेम्स हाथ से लिखते हैं तो आर अंडरलाइंड हम उन्हें अंडरलाइन करते हैं नंबर टू फर्स्ट टर्म जो है जो कि जीनस का नेम होता है जेनरिक नेम ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है जबकि जो स्पीशीज का नाम होता है इट इज नॉट कैपिटलाइज्ड, इवन व्हेन इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नेम बेशक वो किसी शख्स जगह या चीज के नाम से डिराइव्ड हो फिर भी उसको समाल लेटर से स्टार्ट किया जाता है कैपिटल लेटर से सपीशी का नाम स्टार्ट नहीं किया जाता तीसरी बात कि साइंटिफिक नेम जो है जनरली फुल ही लिखा जाता है यानी पूरे पूरे स्पेलिंग्स लिखे जाते हैं जब ये फर्स्ट टाइम यूज होता है यानी कहीं आप राइटिंग में यूज कर रहे हैं पहली दफा किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम लिखना है तो पूरे स्पेलिंग्स के साथ लिखना है लेकिन जब सेवरल uh, स्पीशीज किसी एक ही जीनस के सेवरल स्पीसीज की आपने लिस्ट बनानी है वहां पे आप एब्रीवेट कर सकते हैं और एब्रीवेट ऐसे करना होगा कि जो जीनस का नाम है उसको आप अनिशियलाइज कर सकते हैं उसका सिर्फ अनिशियल लेटर जो है वो कैपिटल लेटर लिखेंगे लेकिन स्पीशी जो है उसके स्पेलिंग्स आगे पूरे ही लिखने होते हैं जस्ट लाइक अ बैक्टेरियम एशरिकिया कोली है एशरिकिया कोलाई बैक्टीरिया का नाम यहां पे लिखा हुआ है तो इसको जब हमने एवरीवेट करना है तो क्या लिखेंगे ई e कैपिटल होगा अगर डॉट फिर कोलाई जो है सी समाल डाटा से स्टार्ट होगा ये स्पेशी का नाम है जबकि एशरिकिया जो है वो जीनस का नेम था तो ये थ्री रूल्स आपने देखे जो कि साइंटिफिक नेम्स को सजेस्ट करने और लिखने में हम यूज करते हैं नेक्स्ट बताया प्रयांश दे आर कम्पोज ऑफ प्रोटीन ओनली जबकि इनके अंदर जबकि जो वायराइड हैं इनमें प्रोटीन कोड या कैप्स जो है वो नहीं होता सिर्फ और बोध पार्टिकल्स काज इनफेक्शियस डिजीज एन इन सर्टन प्लांट्स पौधों में इन्फेक्शियस डिजीजेस काज करते हैं इसमें वायराइड जो है ये ज्यादातर ये फसलों में पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं और जो प्रायाम्स हैं ये एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स में भी डिजीजे काज करते हैं फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि ये जो मैडकॉक डिजीज है इसे कहा जाता है बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफलोपैथी BSE कैपिटल लेटर्स के साथ एब्रीवेट किया जाता है इस डिजीज को कैटल की डिजीज है hmm. बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म या इसको मैड काउ डिजीज कहते हैं तो ये प्रयांस की वजह से स्प्रेड होती है नेक्स्ट <coughs> है सिग्निफिकेंस बाइनोमियल नॉमन क्लेचर की बताया कि इन बायोलॉजिकल रिसर्च कॉमन नेम्स जो हैं दे कॉज मेनी प्रॉब्लम्स आम जो नाम इस्तेमाल होते हैं इससे कई मसाइल पैदा होते हैं डिफरेंट रीजन्स में किसी एक ऑर्गेनिज्म के जो है वो कई नाम होते हैं फॉर एग्जाम्पल देखें कामा नेम ओनियन का जो है उर्दू में प्याज है लेकिन डिफरेंट रीजन जो पाकिस्तान के हैं इसमें डिफरेंट नेम्स इसके यूज होते हैं गंडा भी इसको कहते हैं बसल भी कहते हैं वसल भी कहते हैं तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नेम्स हैं और प्लांट एक ही है अब अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें दे विल बी हैविंग डिफरेंट सेट्स ऑफ नेम्स उधर और नेम्स होंगे नो इन साइंस इट्स इट्स नोन विद द सिंगल नेम दैट इज एलियम सेपा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो प्याज है या ऑनियन है ये एलियम सेपा के नाम से ही जाना पहचाना जाता है और इन सम केसेस ये होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका सेम ही कॉमन नेम होता है फॉर एग्जाम्पल देखें ब्लैक बर्ड अब ब्लैक बर्ड जो है ये करो के लिए भी यूज होता है यानी कहवा जो है इसके लिए जो मकामी ये कहवा होता है एज वेल एज फॉर रैमन रैमन जो है ये माउंटेनियस रीजन में पाया जाने वाला बर्ड है जो कवे से मिलता जुलता है तो उसके लिए भी ब्लैक बर्ड ही यूज होता है तो बताया कि कॉमन नेम्स जो है दे हैव नो साइंटिफिक बेसिस कोई साइंसी बुनियाद नहीं है कॉमन नेम्स की फॉर एक्जाम्पल आप देखो फिश है फिश वर्टिब्रेट है वर्टिब्रेट एनिमल है इसमें फिन्स होते हैं और इसमें गिल्स होते हैं बट सेवरल कॉमन नेम्स जो हैं जैसे सिल्वर फिश है क्रे फिश है जेली फिश है स्टार फिश है अब इनके नाम के साथ फिश तो आ रहा है बट दे डो नॉट फिट द बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ फिश कि इनमें जो है वो फिन्स नहीं है इनमें गिल्स नहीं होते वर्टिबल कॉलम नहीं है लिहाजा ये फिश की डेफिनेशन पे पूरे नहीं उतरते

इस सिस्टम की जो वैल्यू है वो इसके वाइड बहुत ज्यादा यूज़ यूज़ होता होता है, लेकिन होता है। लेकिन ऑल ओवर द स्टेबिलिटी ऑफ़ इट्स नेम्स, के जो नाम दिए जाते हैं वो चेंज नहीं होते के बार बार नाम चेंज होते रहे के क्या है? पैदारी पाई जाती है इन बायोनियल नाम कलेचर एवरी जो है इट कैन बी अन आइडेंटिफाइड अन मीन क्लियरली

लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन के इश्यूज भी खत्म हो जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेम जो है वो नेम यूज होता है सम बताया कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर नेमड इन ऑनर ऑफ द रिसर्च वर्कर्स जो रिसर्च करने वाले होते हैं उनके नाम पे ऑर्गेनिजम्स के नाम रखे जाते हैं दोस हु डिस्क्राइबड एंड क्लासिफाइड देम फॉर एग्जांपल ऑर्चर ट्री को देखें माउंटेन एबनी माउंटेन एबनी तलफ जो है इसका ख्याल रखना है एबनी वर्ड है माउंटेन एबनी ऑर्चर ट्री जो है इट वॉज नेटा आफ्टर द स्विस बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट ही वॉज बोहिन तो उसके नाम पे इसको बोहिनिया वेरिया गटा नाम दिया गया इट्स ऑर्नामेंटल ट्री ठीक है साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया में जो है ये पाया जाता है में। कॉमन नेम्स और साइंटिफिक नेम्स कुछ एग्जांपल्स के तौर पे दिए गए जैसे ऑनियन है तो एलियम सेपा उसके बाद ये कॉमन सी स्टार जो है स्टार फिश एसटीआस रूबंस एसटीएस एस सॉरी एसटीरियस रूबंस स्टारफिश का नाम क्या होगा एसटीरियस एस्टीरियस रूबंस और हाउस क्रो जो है कॉर्बस सप्लेंडन कॉर्बसेंडंस नेक्स्ट इज देयर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इट मैं ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी लासा बायोडाइवर्सिटी जो है ये इस कदर इंक्रीज हुआ है कि मॉडर्न एरा में ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस स्पीशीज और इकोसिस्टम्स जो हैं दे हैव बीन थ्रेटनड विद डिस्ट्रक्शन टू द एक्सटेंट दैट इज रेयरली सीन इन द अर्थ हिस्ट्री के जमीन की तारीख में पहले कभी इस हद तक स्पीशीज की डिस्ट्रक्शन जो है वो नहीं देखी कि उसको खतरा लायक हुआ हो डिस्टिंक्शन का जिस कदर के ये लास्ट सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को आ, ये खतरा दरपेश है स्पेशीज बताया कि दैट नो लंगर लिव्स इन एन एक्ोसिस्टम इट इज कॉट एक्सटेंट इन दैट एकोसिस्टम कोई स्पेशी किसी एको में अगर नहीं रहती जिंदा नहीं रहती खत्म हो जाती कोई एक ऑर्गेनिज्म भी नहीं रहता तो हम कहते हैं कि वो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो गई है नापीद हो गई है वेन स्पीशीज ऑफ एन एकोसिस्टम बिकम एक्सटिंट तो स्टेबिलिटी एक्सिस्टम की जो इट इज हॉर्मड किसी एकोसिस्टम की अगर कोई एक स्पीशी खत्म हो जाती है तो उस सिस्टम की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचता है क्योंकि एक स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किसी और स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं और इन टर्स इस स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स पे कुछ और स्पीशीज हैं जिनके ऑर्गेनिजम्स डिपेंड कर रहे होते हैं तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं अफेक्ट होते हैं बायोलॉजिस्ट दैट ग्लोबल वुड इफ द टू बी एट सेम रेट अगर बायोडाइवर्सिटी जो है ये ऑर्गेनिजम जो डिफरेंट काइंड्स के पाए जाते हैं अगर ये इसी कदर रिड्यूस होती रही स्पीशीज़ तो जो ग्लोबल एकोसिस्टम है इट विल ये ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा बायोलॉजिस्ट जो हैं इस बारे में आगाही कर रहे हैं आगाही दे रहे हैं मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज जो हैं दे हैव इन पाकिस्तान कई ऐसे पौधे हैं कई जानवर हैं जिनके स्पीशीज पाकिस्तान में खत्म हो चुकी हैं अब एग्जैम्पल्स कुछ देगी आपको अनडेंजर्ड और एक्सटेंट एनिमल स्पीशीज जो हैं दे आर लाइन टाइगर एशियटिक चीता इंडियन वन हॉन्ड इसका सिरस, सिरस क्या है राइनोसिरस, स्वैम्प डियर इंडियन वाइल्ड एस हंगूल ब्लैक बक एक्सट्रा ये आगे इन्होंने की पिक्चर्स भी यहाँ दी हुई हैं लायन टाइगर एशियाटिक चीता इंडियन वाइल्ड एस इंडियन वन हॉर्न से मिलता जुलता ये, ये कश्मीर रीजन में पाया जाता है हंगूल, ये हंगूल जो है एक तरह के हिरन की किस्म है लेकिन पाकिस्तान में ये खत्म हो चुके हैं इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडावर्सिटी टॉपिक बताया कि बाई टेन थाउजेंड ई दस हजार साल पहले की बात करें देर वर अबाउट फाइव मिलियन पीपल ऑन अर्थ सिर्फ पांच मिलियन लोग थे जमीन पर एंड विद एडवासमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ह्यूमन पॉपुलेशन बिगेन टू ग्रो रेपिडली तेजी से इजाफा जो हुआ आबादी में तो टूडे अराउंड सिक्स हंड्रेड मिलियन पीपल जो है आज जो इसकी आबादी है आजकल छ सौ मिलियन लोग हैं इतने ज्यादा जो लोग हैं इनकी लिविंग कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं हम बायोडा का सर्वाइवल जो उसको खतरे में डाल रहे हैं डिफॉरेस्टेशन ओवर हंटिंग इंट्रोडक्शन रिमूवल ऑफ स्पेशीज

इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज अपनी मर्जी की जो है वो किसी भी जगह इंट्रोड्यूस करवाना या किसी किस्म के जो हैं उनको खत्म कर देना उनके एनिमल्स को शूटिंग करके हंटिंग करके खत्म कर देना पोल्यूशन पैदा करना क्लाइमेट चेंजेस वगैरह हो रही हैं जो तो ये मेजर काजेज हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही हैं और स्पेशीज के एक्सटेंशन का सबब बन रही है, <coughs> है एकोसिस्टम जो है उसको एक्सटिंक्ट हम कब कहते हैं नो डाउट दैट किसी भी आखिरी जानवर भी मर गया है कोई एक भी नहीं रहा तो हम कहेंगे वो स्पेशी एक्सटिंक्ट हो गई उस एक्को सिस्टम के अंदर और स्पेशीजर्ड कौन सी होगी असपेशीजर्ड वेन इट इज एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर कि उसके ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो थोड़े रह चुके हों और एनवामेंट जो है उनके लिए सूटेड ना हो तो नियर फ्यूचर में उनके भी खत्म होने का खतरा हो तो उन्हें हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी खतरे का शिकार स्पीशीज जैसे हम देखें बताया कि मोर देन टू सिक्सटी थाउजेंड पीपल आर एडेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच डे आर मोर देन वन ईच मिनट यानी इंसानी आबादी इस कदर बढ़ रही है तो लाजमी बात है इनकी लिविंग कंडीशन को बेहतर करने के लिए इंसान को ये सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं लेकिन ये एक्टिविटीज जो है, ये एक्टिविटीजावर्सिटी को डैमेज करती हैं हैबिटेट लॉस पता है कि द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बाइवर्सिटी ऑन अर्थ टूडे किसी भी जानवर का अगर हम हैबिटेट ही खत्म कर देते हैं तो लाजमी बात है कि वो जानवर जिंदा नहीं रह सकेंगे यहाँ पे आपको बताया गया यू के बारे में सफेदा के जो पौधे होते हैं देवर इम्पोर्टेड फ्राम ऑस्ट्रेलिया में ये तो पौधे पानी खर्च करते हैं तो इस तरह से जो वाटर टेबल है वो डिस्टर्ब होता है।, जो है वो डिस्टर्ब होता है पानी डीप चला जाता है कमी की वजह से अब इसका नुकसान क्या होता है अदर प्लांट्स जो होते हैं अदर समाल प्लाट्स जिनकी जड़ें इतनी लंबी नहीं होती जो योकोलेपटस ट्रीज के करीब होते हैं तो उनको इनका नुकसान पहुंचता है कि उनको प्रॉपर जो है वो वाटर नहीं मिल सकता यहां पे काजेस ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन बताए गए हैं 39% जो है स्पीशीज इंट्रोडक्शन की वजह से कि हम अपनी मर्जी की स्पीशीज किसी भी एकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाएं या किसी जो है वो एकोसिस्टम में से किसी स्पीशीज को खत्म करते हैं तो थर्टी इसका रोल है

इन एन ओशन रिमूवल और इंट्रोडक्शन के हवाले से बताया गया जा रहा है आपको कि अगर किसी रीजन में से आ, सी स्टार को खत्म कर दिया जाता है तो मसल्स जिनके ऊपर in in और जो लार्ज नंबर ऑफ मसल्स हैं दे प्रे ऑन स्मॉल एनिमल्स जिनके ऊपर वो फीडिंग करते थे तो वो उनके ऊपर उनका शिकार करेंगे एंड बिकम डेंजरस फॉर देयर एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस टी ई एन सी ये होता है यहां है टी ई एन सी तो उनके उनकी बका जो है वो खतरे में पड़ जाएगी द रेस टू प्रोड्यूस कैश थ्रू फ्रूट्स स्पाइसेस शुगर टबैको सोप रबर पेपर एंड क्लॉथ ये ऐसी चीजें हैं बताया कि फ्रूट्स के, के जरिए स्पाइसी मसाला जात वगैरह शुगर के जरिए तम्बाकू के जरिए साबुन है रबर है पेपर वगैरह या कपड़े जो हैं, इनके जरिए कैश प्रोड्यूस करने की जो दौड़ लगी हुई है इंसानों के अंदर इट हैज स्टिमुलेटेड मैनी टू गेट देम बाय यूजिंग सॉयल एंड बाय डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट तो इससे बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो स्टिमुलेट हुए हैं इनको हासिल करने की खातिर वो क्या है जमीन हासिल करने की कोशिश करते हैं और जमीन कैसे मिलेगी फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं <coughs> जंगलात की कटाई कर देते हैं जो क्लियर लैंड कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप एंड थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव चीजें जो है वो दी गई थी उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग डिफॉरेस्टेशन क्या है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड जंगलात की कटाई कर देना लैंड को क्लियर करना ताकि फसलें काश्त की जाएं या सेटलमेंट्स uh, वगैरह के लिए कॉलोनाइजेशन के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स के लिए जंगलात की जो कटाई है इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी से एनवायरमेंट में खराबी आई है बायोडावर्सिटी रिड्यूस हुई है ये ऐसे असरात हैं जो डिफॉरेस्टेशन के रिजल्ट में पैदा हुए हैं आर काजेस एंड इफेक्ट ऑफ डिफारेस्टेशन। बताया कि समटाइम्स देर इज स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड सडन एंड कैटोस्टोफिक क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट इनके शहरी आबादियां कायम करने के लिए कभी तो यह कि स्लो डिग्रेडेशन होती है फॉरेस्ट और कभी बहुत ही तेज हो जाती है होते सडन चेंज डिस्ट्रक्टिव कह सकते हैं तबाह कौन डिस्ट्रक्टिव कटिंग जो है एंट्रीज की फॉर अर्बन डेवलपमेंट ये होती है तो जो है कैन बी द रिजल्ट ऑफ डेली रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर फॉरवुड एग्रीकल्चर और अर्बन डेवेलपमेंट एक दरख्तों की कटाई करना जंगलात को साफ कर देना किसके लिए लकड़ी हासिल करने की खातिर या एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के लिए लैंड को क्लियर करने के लिए या अर्बन डेवेलपमेंट मकानात की तमीर वगैरह के लिए जंगलात की सफाई की जाती है तो अमाउंट ऑफ वाटर इन दॉल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर अब इसके असरा क्या होते हैं कि जमीन के अंदर पानी की जो अमाउंट है और हवा के अंदर नमी ये अफेक्ट होते हैं इससे क्योंकि तो देखें जंगलात जहां पे हैं तो जमीन से पानी उन्होंने जजब करना होता है अगर जंगलात खत्म कर देंगे तो लाजी बात है कि वाटर टेबल राइज हो जाएगा वहां पे तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग वगैरह सेम वगैरह के इश्यूज पैदा हो जाएंगे और हवा में जो नमी है वो कम हो जाएगी वेन देर आर नो ट्रीज टू कीप सॉयल इन प्लेस देर आर मोर चांसेस ऑफ सॉयल और जहाँ पे पौधे ज्यादा होते हैं जंगलात होते हैं वहाँ पे पानी अगर फ्लडिंग की सूरत में तेजी से फ्लो करता भी है तो सॉयल जो है अब टॉप लेयर ऑफ सॉयल वो साथ रिमूव नहीं होती पानी के अंदर डिजॉल्व होकर नहीं होती। लेकिन अगर जंगलात नहीं होते तो हैं है, जब तेज बारिश होती है तो इससे पानी की जो टॉप लेकर दरियाओं में चली जाती है असेंशियल न्यूट्रिय होते हैं <coughs> टॉप ले

रिवर्स का लेवल राइज कर जाएगा बॉटम लेवल राइज करेगा तो फ्लडिंग होगी पानी जो है वो इधर उधर जाएगा द सिल्टेड वाटर वाटर गेट इन डैम्स डैम्स अब यही सिल्ट वाला पानी जो है जब के अंदर स्टोर होगा एंड इट स्टोरेज कैपेसिटी क्योंकि सिल्ट जो है वो डैम्स में भी नीचे जब बैठ जाएगी तो बॉटम उनकी भी रेज हो जाएगी उनकी पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू डिक्रीज ट्रांसपेरेशन विच लेन जब पौधे कम होंगे तो ट्रांसपेरेशन क्या होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट पौधों से पानी का जो लॉस है वापस की में, तो ट्रांसपेरेशन रिड्यूस हो जाएगी हवा में जो पानी के वेपस जा रहे थे वो कम हो जाएंगे इससे क्लाउड फार्मेशन कम हो जाएगी एंड अल्टीमेटली इट विड्यूस द बादलों से आगे जो बारिश होनी थी यानी जो वाटर साइकिल है ये अफेक्ट हो गया इससे इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑलमोस्ट थ्री मिलियन पीपल रिलाय ऑन वुड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग जो तरक्की पजीर मालिक हैं बताया कि तकरीबन तीन बिलियन लोग ऐसे हैं जो हीट के लिए और कुकिंग पर्पजेज के लिए लकड़ी के ऊपर डिपेंड करते हैं यानी लकड़ी से आग जलाकर वो अपने हीटिंग अपने हीटिंग और कुकिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं ये साइल रोहयन का इफेक्ट शो किया गया है पिक्चर के अंदर यहाँ पे चौपिंग ऑफ ट्रीज शो किया गया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के सड़कें बिछाने के लिए जो है वो दरों की कटाई वगैरह तो ये डिफरेंट रीजंस होती हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है आगे है। स्टेप्स हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को बचाना जो है इट हैज बिकम अ ग्लोबल कंसर्न एक दुनिया भर का जो है वो मसला बन गया है कंसर्न कहते हैं कोई तश्वीश की बात कोई परेशानी की बात जो है तो ये ग्लोबल कंसर्न बन चुकी है बात बायोलॉजिस्ट अर्ज द नेशनल पॉलिसी मेकर्स टू स्टेट अ सेट ऑफ रूल्स नेसेसरी टू प्रोटेक्ट अ स्पीशीज तो बायोलॉजिस्ट जो है जो जो नेशनल पॉलिसी मेकर होते हैं उनको Uh, उनके अंदर ये चीज पैदा करते हैं डेवलप करते हैं अर्ज कहते हैं टू क्रिएट डिजायर रिक्वेस्ट करना गुजारिश करना डिजायर पैदा करना किसी में तो नेशनल पॉलिसी मेकर्स को मेकर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो रूल्स uh, सेट करें स्पीशीज uh, को प्रोटेक्ट करने के रूल्स जो है वो डिफाइन करें एंड डिमांड दैट लॉज शुड डिफाइन स्पीशीज

इट इज रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन इंसानी आबादी में जो इजाफा है तेजी से इजाफा ये पाकिस्तान पाकिस्तान के देही इलाकों की जो है वो गुर्बत का पाया जाना अब इस वजह से क्या है लोग जो हैं वो जंगलात की कटाई करते हैं लकड़ी वगैरह इकट्ठी करने के लिए इमारतों में और जलाने के लिए यूज करें इन एडिशन लो लिटरेसी रेट इज ऑल्सो रीजन फॉर दर Uh, so बायोडावर्सिटी को कंजर्व करने की जो 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 तो नाकामी की और वजह क्या है नाखानदगी तालीम का ना होना नेक्स्ट बताया कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस आईयूसीएन का जो है एंड द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान डब्ल्यू डब्ल्यू एफ पी ये जो इदारे हैं दे वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की जो वजारत माहौलियात जो है उसके साथ एंड अदर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ मिलकर जो है कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं आई जो है इट हैज प्रिपेयर द फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट आई ने पहली नेशनल रेड लिस्ट तैयार की है रेड लिस्ट मीन ये लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड या थ्रेटर्ड स्पीशीज है वो स्पीशीज जो के जो के खतरे का शिकार हैं एक्सटिंक्शन के खतरे का शिकार हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है

फॉर्मुलेटेड द नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी फॉर पाकिस्तान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ पाकिस्तान बायोडाइवर्सिटी पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए एक नेशनल लेवल पर कंजरवेशन स्ट्रैटेजी जो है यह तैयार की तैयार किया नंबर टू यू एन कन्वेंशन ऑन कंबेटिंग डिफिकेशन यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है

इसके इसको खत्म करने के लिए एक बैनिदा है और पाकिस्तान ने नाइनटीन नाइन सेवन में इस मददे पर साइन किए थे बताया कि गया एस्टर, एस्टर भी ओ आर ई नहीं होता है इसमें एस्टर मार्कर मार्कर जिसको मार्कोर बोलते हैं एंड uh, इबेक्स हिमलयान इबेक्स वोली फ्लाइंग स्काल एंड ब्राउन बियर ये हेमलैन जो है हिमलैन ये हिमालय के जो पहाड़ हैं वहां उनको कहा जाता है हिमालय पहाड़ को तो इसका तलफुज लेकिन हिमलैन हिमलियन इबेक्स ये गोट की तरह के के जो है एनिमल्स हैं बकरी यानी पहाड़ी बकरी जिसे कह सकते हैं इसी तरह फ्लाइंग का बताया ब्राउन बियर ये एरियाज में ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट्स हैं इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट टू लैक ऑफ द वन मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स पासिंग थ्रू चित्राल आर किल्ड ड्यूरिंग माइग्रेशन के तकरीबन एक मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स जो के पाकिस्तान में आते हैं तो चतराल में से जब पास हो रहे होते हैं तो उनमें से दो लाख जो हैं उनको शिकार करके उनको मार दिया जाता है नेक्स्ट बताया गया हिमलियन जंगल प्रोजेक्ट जंगल प्रोजेक्ट इट स्टार्टेड इन 1991 इन द पलास पैली इन खैबर का पख्तान पलास वैली में नाइनटीन नाइन्टी वन में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और इसका पर्पस क्या था मकसद क्या था प्रोटेक्ट करना रिचेस्ट एरियाज ऑफ बायोडावर्सिटी को पाकिस्तान में वो एरियाज जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है उनको प्रोटेक्शन देना कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज सुलेमान रेंज, बलोचिजा फॉरेस्ट जो है ये लार्जेस्ट चलगोजा फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड। तो 1992 में डब्ल्यू ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान जो इदारा है

यही नॉर्दन एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है उसको एब्रीवेट किया इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ पी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान का ये जो है वो प्रोजेक्ट है विच इज सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग ऑन द हंटिंग ऑफ दीज स्पीशीज ये स्पीशीज जो कि खतरे का शिकार है तो इनकी हंटिंग को बैन करने पर इनकी इनके शिकार पर पाबंदी लगाने में ये कामयाब हुआ है ज़रा पॉइंट इज देयर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल के पी के खैबर का में चित्राल लाइज ऑन द माइग्रेटरी रूट ऑफ सेवरल इम्पॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज बहुत से इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करके पाकिस्तान आते हैं तो उन, उनके रास्ते में चतराल आता है दीज बर्ड्स फेस इनॉर्मस हंटिंग प्रेशर तो बहुत ज्यादा खतरे का शिकार हो, इसका शिकार के खतरे का सामना होता है इन बर्ड्स को डब्ल्यू डब्ल्यू एफ पाकिस्तान ने अनिशिएट की थी एफर्ट्स टू रिड्यूस द हंटिंग प्रेशर इन नाइनटीन नाइनटी टू एफर्ट्स सक्सेसफुल क्वेश्चन जो है इसमें कामयाब हुई नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मार्कर हजारगंजी नेशनल पार्क इट इज लोकेटेड क्लोज टू कोटा कोटा के करीब ये है एंड इज द ओनली रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ चिल्तन मार्कर इन कंट्री के मुल्क में चिल्तन मार्कर का सिर्फ एक ही हैबिटेट है जो बाकी बचा है

डब्ल्यू डब्ल्यू एफ पाकिस्तान अ बैन ऑन इन दिस इीगल प्रैक्टिस जो गैर कानूनी ये प्रैक्टिस है उनकी तो इसको इसके ऊपर पाबंदी लगाने में WWF डब्ल्यू एफ पाकिस्तान जो है उसकी एफर्ट सक्सेसफुल रही है आगे बताया गया कि हर्डर्स कैप्चर द बियर कब्स हर्डर्स होते हैं ये जानवर पालने वाले जो हैं जानवरों के रेवट रखने वाले जो हैं दे कैप्चर बियर कब्स वो शेर के बच्चे जो हैं उनको पकड़ते हैं एंड सेल टू ट्रेनर्स उनको आगे सेल करते हैं दूसरे लोगों को जो के इन बच्चों को सुधाते हैं ट्रेन करते हैं ट्रेन एंड सेल टू फॉरनर्स फॉरनर्स वो फिर को जो uh, गैर मुल्की लोग हैं उनको फिर सेल करते हैं उसके बाद एंड स्पेशन पाकिस्तान

<coughs> दरिया सिंध में सिर्फ 600 एनिमल हैं डॉल्फ़िन स्पेशी के जो रह गए हैं द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पेशी डी क्लाइंट ड्यू टू वाटर वाटर पोल्यूशन पोचिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट अब इस स्पेशी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी कम, इन कमी इनमें कमी क्यों आई एक तो पानी की पोल्यूशन है दूसरा पोचिंग है इनको पकड़ना शिकार वगैरह एंड डेस्टक्शन ऑफ हैबिटेट उनके हैबिटेट को डेस्टॉय करना शीप मार्कोपोलो शिप आर मोस्टली फाउंड इन खंजराब नैशनल पार्क एंड नियर बाई एरियाज खंजराब नेशनल पार्क और जो करीब के इलाके हैं वहां पर मार्कोपोलोशीप पाई जाती हैं मोस्टली देर नंबर डिक्रीजिंग इन द लास्ट टू डेड्स गुजता दो दिहाइयों से इनकी तादाद में जो है वो बड़ी तेजी से कमी आ रही है एंड लाइफ पाकिस्तान जो, दारा है, इसको बचाने के भी जो है वो स्टार्ट हुए हैं उसके बाद है होबारा बस् बिल्ड फ्लाइज टू पाकिस्तान इन विंटर सीजन फ्रॉम फॉर्मर सोवियत टेरिटरी रशिया वो कहते हैं एंड सेटल्स इन चोलिस्तान पता है कि होबारा बस्टर्ड के जो बर्ड्स हैं होबारा बस्टर्ड बर्ड्स ये विंटर के सीजन में सोवियत टेरिटरी से रशियन इलाकों से पाकिस्तान आते हैं और चोलिस्तान में इनका बसेरा होता है एंड थर्ड डेजर्ट्स जो हैं यहां पे आकर रहते हैं थर के जो रेगिस्तान है द डिक्लाइन इन इट्स पॉपुलेशन इज ड्यू टू By and of its इनकी पॉपुलेशन में भी कमी आई है और उसकी वजह क्या है फॉर्नर्स का आकर इनका शिकार करना हंटिंग करना और इनके इंटरप्रेटिंग यहाँ पे आपको ग्राफ के सूरत में बताया गया है एक एक्टिविटी है जिससे नंबर ऑफ इंसेक्ट जो है फील्ड इनको वाइएस पे लिया गया है और इयर्स ऑफ इंसेक्टिसाइड स्प्रे स्प्रे जो उसको एकस पे लिया गया है का जो है इसको जैसे स्टार्ट किया गया है तो देखें जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उधर से तादाद जो इंसेक्ट्स की है वो कम होती जा रही है विच आर फाउंड इन द फील्ड इंसेक्ट्स की तादाद मुसलसल कम होती जा रही है जैसे स्प्रे जो है ईयर आफ्टर ईयर किया जा रहा है तो इंसेक्ट्स की तादाद कम होती जा रही है तो ये जस्ट इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स जो है ऑफ़ इंसेक्टिसाइड्स वो आपको ग्राफ के सूरत में बताया गया है तो इंसेक्ट्स के है इंसेक्ट्स के नुकसान की वजह क्या है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स ये जस्ट आपको शो करनी है उसके बाद आपको बताया गया कि मार्कर जो है ये नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का मारखोर जिसे कहा जाता है चकोर जो है ये नेशनल बर्ड है पाकिस्तान का आफ्टर दिस मल्टीपल क्वेश्चंस फर्स्ट क्लासिफिकेशन मींस द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स दे हैव इन कॉमन ये बी ऑप्शन होगी इसमें Two, the kingdom includes, अब आपने animals देखने हैं जो इसमें शामिल है, unicellular and simple organisms with prominent nucleus, ए इसमें सही है बाकी ऑप्शंस में अगर आप देखें तो ट्रो मल्टीसेलर ऑर्गेजम ट्रो मल्टीलर प्रामिनट न्यूक्लियस यूनिसेलुलर ऑर्गेजम बाकी ऑप्शन सही नहीं है पहली ऑप्शन ए ऑप्शन होगी सेकंड में

यूनिसेल्यूलर यूरियोड्स जो हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं तो सी ऑप्शन होगी सातवां है कि इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट लेटर ऑफ द डैश नेम इज कैपिटलाइज्ड तो जीनस का नाम जो है ये कैपिटलाइज किया जाता है कैपिटल लेटर लिखा जाता है जीनस का नाम तो इसमें डी ऑप्शन आएगी एथ पॉइंट के व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस शोस द करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन गोइंग फ्राम द समालर टू दिग्गर ग्रुप तो इसमें देखें ये ए में तो शुरू में किंगडम आ गया ये, ये सही नहीं है बी में भी किंगडम आ गया बड़ा ग्रुप आ गया सी में जीनस फेशीज कर दिया तो उसके बाद डी में देखें तो सपेशीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइल किंगडम ये सही ऑर्डर है तो ये डी ऑप्शन सही हो गए समा, समालर टू बिगर ग्रुप डी ऑप्शन आठवें में

ये पहले में देखें तो बड़ा पहले छोटा बाद में फैमिली और ऑर्डर ये बी ऑप्शन सही है इसमें छोटा ग्रुप पहले है, बड़ा बाद में है बाकी किसी को भी देखें क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस जीनस बड़ा ग्रुप पहले दिया छोटा बाद में तो छोटा ग्रुप पहले और बड़ा बाद में जो छोटा ग्रुप होता है उसमें ज्यादा सिमिलरिटीज होती है ऑर्गेनिजम्स की तो बी ऑप्शन होगी ग्यारहवीं में, में। बारहवा है कि वेन द लास्ट नंबर

और अभी डिस्कस भी होगी और जस्ट टू फेसिलिटेट यू इट इज हेयर नेक्स्ट इट इज एक्सरसाइज ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्टल क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दीज़ आर आंसर्स टू दीज क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन in the lectures it is second question answer to second question these are third and fourth question questions and their answers fifth question and its answer next it is their sixth question its answer is there then seventh question and it's answer. After this, it is eighth question. It's uh, answers half part is there. It is second part of uh, answer to eighth question. These are short questions, five short questions and their answers. With this, it is the uh, end of our today's lesson. And end of this chapter also. Allah fees.